अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन। ये वीडियो सुना आपने, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खैराबद में स्थित बड़ी संगत के महंत हनुमान मुनि का बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाया और इस पर खबर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब आप इस वीडियो की शुरुआत में ही समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हो तो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। साथियों बता दें, ये वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। जी हाँ साथियों, 2 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित खैराबाद में बड़ी संगत नाम से एक धार्मिक स्थान है, वहाँ के महंत हनुमान मुनि ने एक जाति विशेष के एक धर्म विशेष की महिलाओं को लेकर सरेआम जहर उगला है। और साथियों उससे भी बड़ी बात यह है कि इस खबर को इस देश की गोदी और चापलूस मीडिया, साथियों इतना ही नहीं जो हमारी मीडिया है जिसे आप मुख्य धारा की मीडिया समझते हैं वो गोदी और चापलूस मीडिया ही नहीं है, इसके अलावा ये मीडिया पूरे तरह से धर्म के नशे में खोई हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इस महंत ने महिलाओं के बारे में क्या कहा। ये वीडियो पूरा सुनिए आप। याद रखना, जिस मुल्ले का लड़का अगर हमारी ये बेटी छेड़ेगा तो हम उसकी खुले बेटी लेके जाएंगे संगत पे उठा के, बहू बेटी जिसके औकात होगी मुल्ले के या शासन प्रशासन के रोक के दिखा देगा। अब वो समझ गया कि मुल्ला राज रहेगा, सपा सरकार नहीं है कि मुल्ला राज रहेगा, हमारी बहुत बेटियां प्रताड़ित होगी। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके। वो मुल्ला राज खत्म हो गया। तो सुना साथियों आपने, ये महंत मुस्लिम महिलाओं के प्रति कितना जहर उगल रहा है और सरेआम बलात्कार करने की धमकी दे रहा है, और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, आप इस वीडियो में गौर से देखिए, पुलिस का एक सिपाही उनकी सिक्योरिटी में खड़ा हुआ है। तो साथियों मैं तो कहूँगा ये हमारे देश की सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर है। और यही नहीं साथियों, हिंदू धर्म में कथित तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, बेटियों को देवियों का रूप समझा जाता है, और इसके लिए साल में बाकायदा 2 त्यौहार भी आते हैं 9-9 दिन के, एक चैत्र में और एक सर्दियों में भी आते हैं। बड़ी संगत के महंत हनुमान मुनि ने जो ये बयान दिया है वो ऐसे टाइम पर दिया है जब देश की एक आबादी इस देश की बेटियों को देवी का रूप समझती है। ऐसे टाइम पर महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से साधु नहीं हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ढोंगी हो सकते हैं। जिस प्रकार से साधु और धर्म के भेष में महिलाओं का शोषण किया गया है, चाहे वो आसाराम बापू हों या राम रहीम हों, बस फर्क इतना है कि राम रहीम आसाराम जैसे लोगों के सबूत दुनिया के सामने आ गए हैं। और ऐसे आज भी ऐसे हजारों पाखंडी बाबा हैं जिनके मन में कुछ और है और दिखावा और कुछ है। वीडियो में हनुमान मुनि साफ साफ कहते हैं अब प्रदेश में सपा की सरकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या बीजेपी ऐसे साधुओं को संरक्षण दिए हुए? निश्चित तौर पर बिना सत्ता के संरक्षण के ये ढोंगी बाबा अनाप शनाप कुछ भी नहीं बख सकते हैं। ज़रूर इसमें सरकार का हाथ या सरकार में बैठे हुए लोगों का हाथ ज़रूर होगा। और साथियों बता दूं, कार्रवाई के नाम पर अब तक जो हुआ है सिर्फ इस ढोंगी बाबा के नाम पर केवल और केवल एक FIR करा दी गई है। इसके बाद इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से माफ़ी मांगी है। तो साथियों यहां पर सवाल यह उठता है
क्या किसी से कुछ भी अनाप शनाप कह देना और बाद में माफ़ी मांगना क्या इस समस्या का समाधान है? कहने को तो मैं कह सकता हूँ, मान के चलो मैं प्रधानमंत्री मोदी का मर्डर कर दूंगा और बाद में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा, नहीं साहब मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो क्या ये न्याय है? क्या ये सही बात है? तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा ऐसे ढोंगी बाबाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और केवल इनके द्वारा माफ़ी मांगना ही इन महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान नहीं होगा जिनके लिए इन्होंने इतनी नीची बातें कही हैं। साथियों, आपकी इस खबर पर क्या राय है? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर करना न भूलें। नमस्कार।